हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्वेश्चन करेंगे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक वार्तिक प्रश्न, जिसमें है रानी ने मीनी ने देखा कि हरी रंग की झालर प्रत्येक 10 सेकंड पर तथा लाल रंग की झालर प्रत्येक 15 सेकंड पर जलती है। रानी सोच रही है कि दोनों झालरें कम से कम कितने सेकेंड बाद फिर से साथ एक साथ जलेंगी। तो ये है लाइटनिंग का क्वेश्चन, जिसमें दो झालरें हरी और पीले रंग की इतने इतने समय के अंतराल पर जल रही हैं, तो वे साथ साथ कब जलेंगी। इस तरह के क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता है। तो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे कि हरे रंग की लाइट कितनी देर बाद जल रही है, कि झालर जलती है कितने समय के अंतराल पर, 10 सेकंड के अंतराल पर, 10 सेकंड, और लाल रंग की झालर जलती है बराबर 15 सेकंड के अंतराल पर। तो दोनों झालरें करेंगी 15, 10 की हम अभाज्य गुणनखंड काट लेंगे। 10 के गुणनखंड होते हैं 2 × 5, और 15 के गुणनखंड होते हैं 3 × 5। तो हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या है, जो कॉमन लेते हैं पहले 5, उसके बाद बची हुई संख्याओं को भी ले लेते हैं 2 × 3। तो ये हो गया 5 × 10 = 30। तो 30 सेकंड बाद दोनों झालरें पुनः एक साथ चलेंगी, तो इसका उत्तर हुआ बी, 30 सेकंड। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये प्रश्न किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के